अनंत दयालु, मैत्री के मसीहा, दया और करुणा के अवतार। वास्तविक में वो कदम सफल हो जाते हैं, वही यात्रा अपनी होती है। कितना चले हैं दुनिया में, कितना दौड़े हैं जन्मों जन्मों में, लेकिन एक भी यात्रा आज तक सफल हो नहीं पाई। चलते हो जब घर से, अंदर दिल में सोचा करो, ये कदम चलते हुए परमात्मा की समोशरण में जा रहे हैं। भावनाओं से जुड़ जाना, जब हम इस धर्म भावना से जुड़ते हैं, भले ही तुम कहीं भी चल रहे हो, अगर तुम्हारे मन में भाव आ गया कि ये चलते हुए कदम परमात्मा के समोशरण में जा रहे हैं, ऐसा चिंतन आता है कभी? ऐसा चिंतन बनाओ। कहीं यात्रा भी करते हो, उस यात्रा को भी तीर्थ स्थान बना दिया करो अपने भावों से। बस मन को ही तो जुड़ना है उस चिंतन से, और जो ये चिंतन हमारा इतना सुंदर बन जाता है, तो हर एक उठता हुआ हमारा कदम सफल हो जाता है। तो इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, शुक्रिया अदा करती हूँ, और आप सब भी एक बार उन सभी को शुक्रिया अदा कर दो जिनके सहयोग से यहाँ पर आए हो। धन्यवाद दे दो, दिल से उपकार मान लो उनका। जितना मानोगे उतना ही जीवन सुंदर सुंदर अति सुंदर बनता चला जाएगा। आज हम एक विषय शुरू करने जा रहे हैं, उस विषय का नाम है संस्कार। विषय का नाम है संस्कार। संस्कार जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और संस्कार के विषय में अभी हम कितना जानते हैं। संस्कार जो शब्द है वो सम उपसर्ग क्रिय धातु और घन प्रत्यय लगकर बना है, संस्कार। संस्कार का मतलब होता है चमकना, चमक, कांति, पॉलिश। पॉलिश से हर चीज क्या हो जाती है, चमक जाती है। हमारे जीवन भी संस्कारों से, हमारे जीवन संस्कारों से चमक जाता है। संस्कार से मनुष्य का रहन सहन, उसका जीवन, उसकी क्रियाएं, उसकी बुद्धि, उसका व्यक्तित्व, सब चीजों में चमक आ जाती है संस्कारों से। संस्कार उसको कहते हैं जो हमारे दोषों को मिटाकर गुणों से भर दे, वो संस्कार होता है। जब जीवन के सारे दोष निकल जाते हैं और जीवन में जब गुण प्रकट होता है, तो उसको हम संस्कार कहते हैं। लोह में जीवन, यानी लोहे जैसे जीवन को जो स्वर्ण बना दे, उसको उसको हम संस्कार कहते हैं। जो अपने कुल को, अपने कुल की परंपराओं को, अपने ऐतिहासिक महापुरुषों की परंपराओं को जीवित रखता है, जीवंत रखता है, उसको हम संस्कारी कहते हैं। उसको कहते हैं ना, कितना संस्कारी है, अपने बड़ों की परंपरा को आज तक इसने गौरव प्रदान किया है, अपने माता पिता की दिए हुए संस्कारों से इसने अपने कुल का वर्धन किया है, कुल को गौरवान्वित किया है। कितनी सारी बातों में हम ऐसा बोलते चले जाते हैं। जहां जहां इंसान के जीवन में ऐसे संस्कार आते हैं, ऐसा संस्कारित जो जीवन होता है, वो सब जगह सम्मान का पात्र होता है, सब जगह यशस्वी होता है, सब जगह उसको यश मिलता है। जिस तरह से हम
हमारे मन में कभी कभार कोई भाव आ जाता है। कोई भाव जब हमारा पक्का हो जाता है तो वो संस्कार बन जाता है। हमारे मन का जो भाव होता है कभी कभार वो पूरी तरह से जब पक्का हो जाता है तो वो संस्कार बन जाता है। मनोवैज्ञानिक पद्धति कहती है कि जो अपने परिवार के विकास के लिए, अपने बच्चों के विकास के लिए सम्यक प्रयास करता है वो उनको संस्कारित एक पद्धति देता है या उनको संस्कारित कर देता है। तो इसी संस्कार पर ही हम कुछ दिनों तक चलेंगे और वो संस्कार कैसे होंगे, उन संस्कारों को परिपक्व करने के लिए हमें महापुरुषों ने एक मार्ग दिया है कि जब जब तुम किसी भावना को, किसी संकल्प को मजबूती से अपने भीतर में धारण करते हो वो तुम्हारा संस्कार बन जाता है। संस्कार भी कई प्रकार के हैं। आयुर्वेदिक ग्रंथों में बताया है कि जो औषधि होती है उसको संस्कारित किया जाता है, औषधि को संस्कारित किया जाता है। और धार्मिक ग्रंथों में भी धर्म के संस्कार बताए गए हैं और लौकिक जीवन में संस्कार, विवाह संस्कार, गर्भ संस्कार, जन्म संस्कार, सूर्य पूजन संस्कार, नामकरण संस्कार, बहुत सारे इन संस्कारों का वर्णन आता है। भारतीय संस्कृति में 16 संस्कारों का नाम आता है और उन 16 संस्कारों में ये जो हमारे संस्कार होते हैं वो इसी तरह से काम करते हैं कि जैसे कुम्हार ने घड़ा बनाया और उसको अग्नि में डाला तो अग्नि में डलकर उसका क्या हो गया, संस्कार हो गया। जब तक उसका अग्नि संस्कार नहीं होगा तब तक वो जल को धारण नहीं कर सकता। मिट्टी के कलश में अगर तुमने पानी डाला तो क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा, टूट जाएगा, मिट्टी बिखर जाएगी। उसका जब अग्नि संस्कार हो गया तो वो जल को धारण करने वाला बन गया। इसी तरह से हमारे जीवन में भी ये संस्कार जब परिपक्व संस्कारित हो जाते हैं तो हम किसी भी चीज को धारण करने वाले, संभालने वाले, समेटने वाले बन जाते हैं। और जब तक ये आप लोग फल और सब्जियां लेकर आते हो जब तक इनको संस्कारित नहीं किया जाता तो खाने के काम नहीं आते ना। अन्न को भी भस्म से संस्कारित किया जाता है, फल आदि को, सब्जियों को अग्नि से घी तेल डालकर उसको संस्कारित किया जाता है, खाने योग्य बनाया जाता है। संस्कार कुछ प्रकार के हैं जिसमें पहला संस्कार है, कुछ नाम है उसके, असंस्कार, एक है कुसंस्कार, एक सुसंस्कार, एक पूर्व जन्मोपार्जित संस्कार, एक माता पिता द्वारा प्रदत्त संस्कार, एक धर्म द्वारा प्रदत्त संस्कार, एक गुरु द्वारा प्रदत्त संस्कार। कितने सारे संस्कार। सबसे पहला है असंस्कार, जिसमें कोई संस्कार ही नहीं है, ना अच्छाई है ना बुराई है, कुछ भी नहीं है, वो साधारण सी अवस्था है। कैसी अवस्था, जैसे अभी मैंने बताया अनाज की अवस्था है, गेहूं की अवस्था है, सब्जी की अवस्था है, फल की अवस्था है। जब तक उसको सुधारा नहीं जाएगा, अच्छा नहीं किया जाएगा, संस्कारित नहीं किया जाएगा तो वो किसी काम का खाने योग्य नहीं है। जो असंस्कारी है, जिनके अंदर कोई भी संस्कार नहीं है, वो कैसा होता है, जहां देखा वहां बैठ गया, जैसा चाहा वैसा बोल लिया, जैसा खाने को मिल गया वैसा खा लिया, ना भक्ष्य का ना अभक्ष्य का किसी तरह का कोई भी विवेक नहीं। जैसा व्यक्ति मिला उसके साथ बैठ गया, कोई दूसरा वो नहीं मिला, दूसरा आया उसके साथ बैठ गया, मन में कोई भाव ही नहीं है कि किसके पास बैठना है, किसके पास उठना है, कैसा खाना है, कैसा पीना है, कैसे बोलना है, किसी तरह का कोई भी जो आया सो चलने दो, वो क्या है, असंस्कार है। जैसा भी आया उसको चलने दो। ऐसे व्यक्ति को
अगर कोई संगति मिल जाए तो वो सबसे ज्यादा बुरा बन जाता है। ऐसे व्यक्ति को अगर सत्य संगति मिल जाए तो वो सबसे ज्यादा अच्छा बन सकता है। बस मिलने पर डिपेंड करता है, उसकी कोई सोच नहीं है कि मुझे कैसा मिले कैसा मिले, वो कुछ नहीं सोचता। जैसा जैसा मिल जाएगा वो उसके जैसा बन जाता है। एक जंगल में आपने बहुत बार सुनी होगी ये बात कि दो तोते थे, एक शिकारी के हाथों में पड़ गया और एक संत के हाथों में। अब जो संत के हाथों में पड़ा, हर रोज संत का जो आचरण है जैसा वो बोलते हैं वो तोता भी वैसा ही, आइए स्वागतम पधारिए, भोजन लीजिए पानी लीजिए, आप कहाँ से आए हैं आप यहाँ पर विश्राम कीजिए। हर रोज जो संत आगंतुक को बोलते थे उस तोते ने भी वैसा ही सीख लिया। और जो दूसरा तोता शिकारी के हाथ में पड़ा था उसने क्या सीखा? मारना पीटना लूटना, लूट लो पकड़ लो इसे, इसको जाल में बंद कर दो। जो वो शिकारी बोलता था उसने वैसा वैसा बोलना सीख लिया। और उसका संस्कार कैसा हो गया? क्योंकि उनके पास कोई भी संस्कार नहीं। बच्चे का जब जन्म होता है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे माहौल में है, कैसे संस्कारों में है, किस तरह का उसके आसपास का वातावरण है, कैसी भाषा का उच्चारण किया जा रहा है। देखते हैं ना, जिस घर में जैसी भाषा बोली जाती है वो बच्चा, वो नवजात शिशु, उसके अंदर वही भाषा वही परमाणु वही फुटकर एंट्री करने लग जाते हैं, प्रवेश करने लग जाते हैं और वही सब कुछ बोलना शुरू कर देता है। दूसरे नंबर पर आता है ये असंस्कार है, मतलब कोई संस्कार नहीं था। जैसा माहौल मिला, जैसी संगति मिली, जैसा वातावरण मिला, जैसे आसपास लोग मिले, वो वैसा का वैसा ही बनता चला गया, जिसके पास कोई भी सूझबूझ नहीं थी, असंस्कार संस्कारों से रहित था, कोई भी संस्कार उसके पास नहीं था। और दूसरा है कुसंस्कार। कुसंस्कार गलत संगति में पड़कर जब कुछ बुरा करने की भावना जागे तो वो कुसंस्कार बन जाता है। गलत लोगों के संग में बैठकर शराब पीने का भाव आ गया, जुआ खेलने का भाव आ गया, गुटखा खाने का, सिगरेट पीने का, जो भी दुनिया भर के बुरे 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 काम होते हैं वो सब करने का भाव आ गया, तो किसका पोषण हो गया? कुसंस्कारों का। कुसंस्कारों का पोषण हो गया। दूध तो बहुत अच्छा है, पवित्र है, शुद्ध है, लेकिन अगर दूध के अंदर खटाई डल गई, दूध के अंदर जहर का मिश्रण हो गया, दूध के अंदर कोई गलत चीज डाल दी गई, वो शुद्ध पवित्र दूध कैसा बन गया? कहते हैं कि हीरे को तो सब चाहते हैं, हीरा सबको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर हीरे के साथ जो खटमल होता है ना, खटमल का खून अगर हीरे पर लग जाए तो वो अपने आप ही चूर चूर हो जाएगा। मैं भी पढ़कर हैरान रह गई कि जो खटमल का जो खून होता है वो इतना ताकतवर होता है कि इतने सुंदर इतने महंगे इतने अच्छे जिसका नाम इतना ऊंचा, उस हीरे को एकदम खंड खंड उसके सारे अस्तित्व को खराब कर देता है। कुसंस्कार भी ऐसा ही है। जब इंसान के जीवन में कुसंस्कार आता है, आपने नाम सुना होगा, एक छोटा सा बच्चा था वाल्मीकि, कुसंगति में पड़ गया। कुसंगति में पड़ने के बाद उसने लोगों को लूटना शुरू कर दिया, लोगों को लूटना शुरू कर दिया, और लूटते लूटते एक दिन वो खूंखार डाकू बन गया। इतना बड़ा डाकू बन गया उसका आतंक, और अब तो वो जंगलों में रहने लगा, भयानक जंगल में वो रहने लगा, और वहां से जो लोग आते उनको लूटता, उसकी उंगली काट देता और उंगली काटकर माला बना लेता, तो उसका नाम पड़ गया
उंगली मार, सुना है आपने कभी उंगली मार डालना। ऐसी एक कुसंगति के कारण उसका जीवन भ्रष्ट भ्रष्ट होते होते वो बहुत बड़ा डाकू बन गया। लेकिन उस कुसंगति से भी कोई पावरफुल व्यक्तित्व कभी जीवन में आ जाए ना, उसकी एंट्री हो जाए, तो सारे कुसंस्कार, ऐसा नहीं है कुसंस्कारी को बदलना असंभव नहीं है, मुश्किल जरूर है, क्योंकि जो संस्कार पक्के हो गए, और आजकल के बच्चों को तो कुसंस्कारी कौन बना रहा है सबसे ज्यादा। बच्चे कैसा कैसा साहित्य पढ़ते हैं, कैसी कैसी मूवी देखते हैं, कौन से चैनल चलाकर देखते हैं। आज सब कुछ बाल के मन पर, बच्चे के मन पर ये जो मीडिया है सबसे ज्यादा प्रभावित, सबसे ज्यादा कुसंस्कारों का पोषण कर रहा है। एक बार बच्चे ने देखा उसका इंटरेस्ट उसी के साथ क्रिएट हो गया, और धीरे 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 मन पर ऐसा प्रभाव होता चला गया कि उसके सारे के सारे कुसंस्कार जाग गए, सब कुछ उसके भीतर में वैसा ही होने लगा। वो उंगली मार जो डाकू बन गया ना, एक बार महात्मा बुद्ध उसी जंगल की ओर चलने लगे, लोगों ने बहुत रोका, बाबा उधर मत जाओ, वहां तो बहुत बड़ा राक्षस रहता है, अब तो लोग उसको राक्षस कहने लगे, वो आपकी उंगली काट देगा, आपके हाथ काट देगा, उंगलियां काटकर माला बना लेगा, माला पहन लेगा, आप वहां मत जाओ। उन्होंने तो उद्धार करना था, कल्याण करना था, महापुरुष कब रुकेंगे किसी की रोके से। वो चलते चले चलते चले और चलते चलते उसी जंगल में पहुंच गए। पीछे से वो चल रहे हैं, एकदम उसने देखा, किसने हिम्मत की, इस जंगल में तो पत्ता भी मिलता नहीं मेरी मर्जी के बिना, ये कौन है, किसके अंदर इतनी हिम्मत आ गई कि ये चलकर यहाँ पर चढ़कर आ गया। और एकदम पीछे पीछे भागने लगा, ठहर जाओ, फिर जोर से आवाज दी, मैं कहता हूं ठहर जाओ, वो कहां ठहरने वाले थे। फिर एकदम भागता हुआ आगे आकर खड़ा हुआ, मैंने कहा ना ठहर जाओ। महात्मा बुद्ध मुस्कुरा कर कहने लगे, मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा, क्या कपोड़े हंक रहे हो, खुद चल रहे हो और चलते हुए वो ठहरा हुआ कहते हो, और मैं तो ठहरा हुआ हूं और मुझे चलता हुआ कह रहे हो। महात्मा बुद्ध ने नजरें उठाकर मुस्कुराकर उसको देख कर कहा, अपने भीतर देख, तू चल रहा है या ठहरा हुआ है। पता नहीं उसको क्या लगने लगा, ना कभी ऐसी आवाज देखी सुनी, ना कभी ऐसी आंखें देखी, ना कभी ऐसा चेहरा देखा, कैसे बदल दोगे तुम मुझे, ऐसा लग रहा है कि इस आवाज का एक एक शब्द मेरे अंदर चलता चला जा रहा था, ये सब कुछ मेरे भीतर पहुंच रहा है, मेरे रोम रोम में स्पंदन पैदा कर रहा है। महात्मा बुद्ध कहने लगे, तू कब से चलता चला आ रहा है, कब से लोगों को मार रहा है, कब से लूट रहा है, तेरी यात्रा देख कितनी तीव्रता से भरी हुई है, और मुझे चलते हुए को तू समझ रहा है मैं चल रहा हूं, भीतर देख मैं ठहरा हुआ। बस इतना सा शब्द कहना था, भीतर से सारे के सारे पट खुलने शुरू हो गए, सिर्फ एक आवाज से, और इतनी परत खुल गई अंदर की कि वही चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, मुझे तार दो जी, मुझे तार दो, मुझे तार दो जी प्रभु तार दो, राग द्वेष का पर्दा मेरे नैनों आगे छाया, राग द्वेष का पर्दा मेरे नैनों आगे छाया, राग ठोकर खा करके भी संभल नहीं मेर पाया, प्रभु तार दो गया, बचा लू मुझे,
मुझे पार कर दो। कहां भटक गया था, एक तारणहार मिला तो सारे कुसंस्कार, सारे कुसंस्कार मिट गए, लुप्त हो गए और सुख संस्कारों का जागरण हो गया। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं घटती हैं। कितने लोगों के जीवन में ऐसी घटनाएं घटती हैं कि भटकता हुआ जीवन सिर्फ एक बार में ही संभल जाता है। एक बार किसी का समागम तो मिले, सत्संगति तो मिले, कितने कुसंस्कार जन्मों जन्मों के भी कुसंस्कार मिट जाया करते हैं जब एक बार सत्संगति मिलती है। तीसरे नंबर पर आता है सुसंस्कार। सुसंस्कार कैसे? घर का माहौल बहुत प्यारा है, माता पिता बहुत सुविज्ञ हैं, घर में आचरण है, सिद्धांत है। उस बच्चे ने आंखें खोल ली, पहला ही संस्कार उसको क्या मिल गया? धर्म का। उसके अंदर कौन सा संस्कार आ गया? सुसंस्कार। संस्कार तो था लेकिन वो सुसंस्कार बन गया, यानी घर के वातावरण ने, घर के माहौल ने, घर के रहन सहन ने, घर के हर एक प्राणी से जो उसको ऊर्जा मिली, उस ऊर्जा से उसका सुसंस्कार सुसंस्कार बनता चला गया। चौथा है पूर्व जन्मों पर आधारित संस्कार। हम जब इस दुनिया में आते हैं तो पूर्व जन्म के भी कोई संस्कार अपने अपने साथ लेकर आते हैं, जिसको कहते हैं गॉड गिफ्ट। आजकल कह देते ना, एक छोटे से बच्चे को देखा, 4 साल का बच्चा है, पूरी गीता उसे कंठस्थ है। छोटा सा बच्चा है, दुनिया भर के सारे नॉलेज उसके पास है। इसका मतलब है कि पूर्व जन्मों के संस्कारों के कारण वो सब कुछ उसके साथ चलता चला आ रहा है। पूर्व जन्मों का वैर, पूर्व जन्मों का प्रेम, ये हमारी अनुभूति में आता है, ये पूर्व जन्म का संस्कार होता है। और पूर्व जन्म के संस्कारों को भी, पूर्व जन्म के संस्कारों को भी हमें भोगना पड़ता है, जो कुछ हम करके आए हैं। किसी से वैर बांध कर आए हैं तो वैर मिलेगा, किसी को प्रेम देकर आए हैं तो प्रेम मिलेगा, किसी को ज्ञान देकर आए हैं तो यहाँ पर ज्ञान की अंतराय टूटी होगी, तप करके आए हैं तो यहाँ अपार वैभव, सौंदर्य, धन संपत्ति सब कुछ पूर्व जन्म के संस्कारों के बल पर जो कुछ हमें मिल रहा है। हमारे घर में वैसा वातावरण नहीं है लेकिन बच्चा फिर भी सबसे अलग है, तो उसको क्या कहा जाता है? जन्म तो कहां लिया, लेकिन ये उसको गॉड गिफ्ट है, प्रकृति ने, कुदरत ने उसे प्रदान किया है, ये पूर्व जन्म के संस्कार। कुछ संस्कार होते हैं जो हमें धर्म से मिलते हैं, धर्म के माहौल में आकर पता चलता है कि जीवन को बदलना चाहते हो तो सत साहित्य पढ़ो। जीवन को बदलना चाहते हो तो अच्छा साहित्य, धार्मिक किताबें पढ़नी शुरू कर दो, तुम्हारे सारे के सारे संस्कार धर्म में बन जाएंगे। महात्मा गांधी जिस समय बैरिस्टर थे तो उनका एक अंग्रेज दोस्त, एक बार उनको बहुत लंबी यात्रा करनी थी, 12 घंटे की यात्रा, तो उस अंग्रेज मित्र ने उनको एक बुक दी, किताब दी कि तुम यहाँ पर बैठे सफर करोगे, इतने घंटे व्यतीत करने तुम्हें बहुत मुश्किल हो जाएंगे, तुम ये पुस्तक आदि से अंत तक पढ़ना। महात्मा गांधी ने वो किताब पढ़ी और इतना बदल गए कि उन्होंने बैरिस्ट्री छोड़ दी, सादा सिंपल जीवन अपना लिया। एक बार उन्होंने राजा हरिश्चंद्र का नाटक देखा था। हरिश्चंद्र का नाटक देखने के बाद उन्होंने संकल्प लिया था कि मैं आज के बाद कभी झूठ नहीं बोलूंगा, सत्य का आचरण करूंगा। और हम कितना कुछ पढ़ते हैं, बस पढ़ के भीतर कुछ भी लेकर नहीं जाते, या तो कोई संस्कार ऐसे बैठे हैं या फिर हम कुछ बदलने की कोशिश भी, हम चीजों को नाटक की दृष्टि से देखते हैं, किताब को किताब की दृष्टि से पढ़ते हैं, उसमें खोकर उसको अपने
नहीं करते। एक संस्कार है माता पिता द्वारा प्रदत्त संस्कार, अभी इसी संस्कार को हम आगे चलाएंगे। एक माँ चाहती है, माँ की कभी एक प्यास होनी चाहिए कि मेरे घर में किसी महापुरुष का जन्म, ऐसी पुकार। आप लोग तो उस दौर से गुजर चुके हैं, कभी ये सोचा ही नहीं कि मेरे घर में किसी महापुरुष का जन्म, मेरे कुल को गौरव गौरवान्वित करने वाला एक भगवान जैसी छवि, जिसके जीवन में मेरी कुक्षी से ऐसे बालक का जन्म हो, जो एक बार जहां पर देखे सब आंखें उसके पीछे देखना शुरू कर दे, जिसका एक कदम जहां पर बढ़े हजार कदम उसके पीछे बढ़ जाए, एक दिए के जैसा हो वो, हजारों बुझे हुए दियों को जलाने वाला बन जाए, कुल को रोशन करने वाला बन जाए। एक माँ की ऐसी प्यास, एक पिता का ऐसा संकल्प जब होता है तो ऐसा हो नहीं सकता कि उसके घर में किसी महापुरुष का जन्म, माता पिता द्वारा प्रदत्त संस्कार। वो संस्कार जन्म के बाद नहीं, जन्म लेने के बाद तो बच्चे के 80% जो संस्कार है वो माँ के गर्भ में ही परिपक्व हो जाते हैं, 20% संस्कार तो वो पूरी जिंदगी में गीत करता है, और वो 80% संस्कार कैसे पूरे होंगे। उस माँ की अभिलाषा अगर हो सके तो जिनकी नई शादी हुई है उन बहुओं को इस प्रांगण में लाने की कोशिश करना कि कौन सी वो साधना विधि है, कौन सा वो संस्कार है जिस संस्कार को लेकर एक माँ किसी महापुरुष को जन्म दे सकती है। आज के युग में भी, अभी इसी युग में ऐसा संभव हो सकता है, तो इस गर्भ संस्कार से लेकर थोड़ा सा विवाह संस्कार की भी बात करेंगे। विवाह संस्कार, गर्भ संस्कार, जन्म संस्कार, और जन्म संस्कार के बाद से फिर युवा संस्कार तक क्या कुछ करना चाहिए। एक लायक संतान को पैदा करने के लिए माता पिता को कुछ त्याग करना पड़ता है। वो त्याग कैसा, कितना जागरूक होना चाहिए माँ को, कितना संकल्पबद्ध होना चाहिए पिता को। ऐसे ही किसी महापुरुष का जन्म नहीं होता, ऐसे ही कोई महापुरुष किसी की कुक्षी में आता नहीं, कब आता है ये आप सुनेंगे, आपको पता चलेगा। अब गुरु जी महाराज साहब के मुखारविंद से उनकी अमृतमय वाणी का आप पान करेंगे। कल 15 अगस्त है, इस धरती माँ के कितने कर्ज हैं हमारे ऊपर, उन शहीदों की कुर्बानियां याद करके जिस आंख से एक आंसू भी निकल आया तो सचमुच में उसका हृदय झुक जाएगा उनके लिए, हृदय पवित्र हो जाएगा। याद करेंगे कल हम दो देवियों के त्याग को, जिनका संस्कार जुड़ा हुआ है हमारे जिन शासन से, और उन वीर सपूतों को यौवन अवस्था में माताओं ने कितना बड़ा बड़ा त्याग किया, जिस आजादी के महल में हम आराम से रह रहे हैं, चैन से जी रहे हैं, कितनी मुश्किल से मिली है वो आजादी, और उस आजादी की आज कैसे खिलवाड़ कर रहे हैं, जिन्होंने अपना खून बहाया, जिनकी गोद सूनी हो गई, जिन बहनों के भाई चले गए, एक बार याद करके देखेंगे कैसे शान पाई है इस तिरंगे ने, कैसे शान बढ़ी, कैसे बना ये तिरंगा, कैसे लहराया ये तिरंगा, और आज उस तिरंगे के लिए हमारे दिल में कैसा सम्मान है। क्या कभी हमने अपने देश के लिए कुछ सोचा है, कुछ चिंतन किया इस भारत माता के लिए, कभी हमारे मन में कोई भाव आया है, कभी हमने नमन किया है उन वीरों को। ये कल आप जरूर सुनना आकर के इस प्रांगण में अब गुरु जी महाराज साहब के मुखारविंद से।
उनकी अमृतमयी वाणी को आप श्रवण करेंगे। ओम शांति।